हेलो दोस्तों, नमस्कार। बेंग टेक्निकल इंडियन की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन को स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, जैसा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में लेते हैं। यदि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो कैसे लें, तो बहुत ही सिंपल तरीका मैं बताने वाला हूँ, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये स्क्रीन शॉट लेने का मतलब ये जो स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा है, ये गूगल, ये सब दिख रहा है, सब कुछ आपके स्क्रीन शॉट में आ जाती है। अब आपको क्या करना है, यदि आप लैपटॉप यूज़ कर रहे होंगे तो आपके पास कीबोर्ड एक होगा, कीपैड होगा, और यदि आप कंप्यूटर यूज कर रहे होंगे तो आपके पास कीबोर्ड होगा या कीपैड उसमें भी होगा, जो भी है। तो यदि आप कंप्यूटर या लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो दोनों के केस में आपको क्या करना है, आप सबसे पहले अपनी कीपैड को देखिए, अपने कीबोर्ड जो सेक्शन है उसको देखिए। कीबोर्ड के सेक्शन में जब आप देखेंगे तो वहाँ सबसे पहली रो में लिखा हुआ है, सबसे पहली रो में लिखा हुआ है जो यहाँ जो F1, F2, F3, F4, F5, F6 वाली जो रो है उसमें आप देखिए। आप F12 को देख रहे होंगे, F12 जो है लिखा है F11 के बाद में, F12 जो लिखा हुआ है F12 के बाद एक की होगी जिसपे लिखा होगा PRTSC, और नीचे लिखा होगा दूसरे कलर से SYSRQ, या तो सिर्फ PRTSC ही लिखा होगा तो कोई बात नहीं। तो वही F12 के बगल वाली जो की है PRTSC, वो जो है PRTSC का मतलब होता है प्रिंट स्क्रीन। तो ये जो है प्रिंट स्क्रीन मतलब ये स्क्रीन शॉट लेने के लिए की बनी हुई है। तो आपको क्या करना है, उस PRTSC को की को एक बार प्रेस करना है, जैसे कि मैं प्रेस करने जा रहा हूँ, ये लीजिए मैं प्रेस कर दिया। अब मैं प्रेस कर दिया तो ये हमारी मेरी सारी स्क्रीन कॉपी हो गई है। अब इसको आपको कहाँ पे इसको पेस्ट करना है, मतलब कॉपी हो गई कहीं पेस्ट करना, मान लीजिए मैं पेंट में पेस्ट करना चाहता हूँ, इसको कंट्रोल पेंट में जाके आपको Ctrl V, देखिए ये आ गया, तो Ctrl V हमने दबा दिया तो ये आ गई पेंट में, स्क्रीन आ गई। तो ये मेरी कॉपी हो गई, इसको आप चाहे तो बड़ा छोटा कर सकते हैं। बड़ा छोटा करने के बाद आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसे क्रॉप करना चाहता हूँ, तो देखिए यहाँ पे इसे क्रॉप भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप इतना ही लेना चाहते हैं तो आप इसे क्रॉप कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये देखिए ये क्रॉप हो जा रहा है, तो आप इसे क्रॉप कर सकते हैं और इसे अपने सेव कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको सही से दिखाई दे, ये देखिए इसे आप क्रॉप कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये देखिए क्रॉप हो जा रहा है। तो मान लीजिए मेरा क्रॉप हो गया, अब इसे आप यदि इसे करना है तो यहाँ पे क्रॉप के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना होगा, देखिए इतना सा आ गया। आप जैसे भी करना चाहें तो कर सकते हैं, और Ctrl Z से आप इसको पीछे कर सकते हैं। फिर आ गया, इसे आप सेव करना है तो फाइल में जाइए, सेव एज, या सेव कर दीजिए, जहाँ आपको सेव करना है आप सेव कर लीजिए। तो ऐसा आपको करना है, तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।